दिस इज माय यूट्यूब चैनल द आयल्स इनसाइडर. प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर वीडियोस रिलेटेड टू आयल्स. सो टुडे वी विल डू एक्सप्लेनेशन वीडियो, अ रीडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोटकिन टेंच. सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स कमाल का. वोटकिन टेंच को पढ़ के ऐसे पता चलता है कि ये किसी पर्सन का नेम है. सो इन रीडिंग व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वी कैन रीड द हेडिंग एंड देन वी कैन रीड द फर्स्ट टू थ्री लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ इन ऑर्डर टू कीप आर सेल्फ काम. सो बिकॉज इन एग्जाम यूजली चिल्ड्रन आर वेरी नर्वस अबाउट रीडिंग मॉड्यूल स्पेशली. सो विद दिस वी विल गेट टू नो द आइडिया. ओके, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड और इट इज टॉपिक रिलेटेड टू अ पर्सन्स लाइफ और रिलेटेड टू कॉमर्स और एनीथिंग टेक्नोलॉजी. सो वी विल रीड द हेडिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोटकिन टेंच. एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी लाइफ फॉर द एवरेज ब्रिटिश सिटीजन वॉज चेंजिंग. द पॉपुलेशन ग्रू एज हेल्थ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक होल्ड ऑफ द कंट्री. सो मैंने दो लाइनें पढ़ी. इसको पढ़ के मुझे जैसे मैंने पढ़नी है ना ये लाइनें, सो इतनी अच्छी तरीके से पढ़नी है कि मुझे दोबारा टाइम नहीं मिलेगा रीड करने का. ठीक है, सो इसको पढ़ने के देखो कई बार ना रीडिंग में लाइन ना बड़ी लंबी लंबी होती है तो हमें लास्ट वाला याद रहता है, स्टार्टिंग वाला नहीं याद रहता. इसके लिए हम क्या करेंगे, दो लाइनें पढ़ो, दो वर्ड्स पढ़ो, उसको पंजाबी में अपनी नेटिव लैंग्वेज में बेसिकली उसको कन्वर्ट कर लो. एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जैसे मैंने अपने माइंड में अपना एस्टिमेशन लगा लिया कि 1798 ऐसे में इस साल में कोई बात है जो लाइफ है ब्रिटिश सिटीजन्स की वो चेंज हो रही थी. पॉपुलेशन जो है बढ़ रही थी. एज हेल्थ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक होल्ड ऑफ द कंट्री. सो ये जो है कंट्री में रुक गई थी. हाउ एवर लैंड एंड रिसोर्सेज वर लिमिटेड, पर जो जगह थी जो रिसोर्सेज थे वो थे कम थी. सो इतनी लाइनें काफ़ी हैं. अब हम सीधा क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के. सो द फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 6 आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. वी हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स बट वी नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एवरी टाइम. समटाइम्स देयर आर येस नो नॉट गिवन एंड स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक. इंस्टेड ऑफ राइटिंग येस दे राइट ट्रू. सो ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शन. इफ देर आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यू हैव टू राइट दिस ओनली. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द लाइफ ऑफ टेंच बिफोर ही अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया. अभी इस क्वेश्चन को पढ़ के ना सीधा सीधा हमने की वर्ड लगाने हैं, समझना बाद में है. देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन. अ ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द लाइफ ऑफ टेंच उसके ऑस्ट्रेलिया आने के पहले. सो ये मेरे कीवर्ड्स हो गए, बेसिकली तीन कीवर्ड्स ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लाइफ ऑफ टेंच बिफोर अराइविंग टू ऑस्ट्रेलिया. तो सीधा लोकेशन पे जाते हुए देखो, अपार्ट फ्रॉम हिज ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में उसके साल है ना उनको छोड़ के पीपल न्यू लिटल अबाउट हिज लाइफ इन ब्रिटेन. सो जो ब्रिटेन की लाइफ है उसके बारे में क्या जानते हैं, कम जानते हैं. देखो मेरे कीवर्ड्स आगे, हिज मीन्स टेंच की बात हो रही होगी क्योंकि यही है मेन. ठीक है, इसमें सो अपार्ट फ्रॉम हिज लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में उसकी ज़िंदगी बीती है उसको छोड़ के पीपल न्यू लिटल, वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा. ठीक है, अबाउट हिज लाइफ. ठीक है, इन ब्रिटेन देखो देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ग्रेट डील है, वहाँ पे क्या लिखा है, लिटल इंफॉर्मेशन. ठीक है, अवेलेबल अबाउट द लाइफ ऑफ टेंच, लाइफ अबाउट हिज लाइफ, हिज मीन्स टेंच कोई बोल रही है. सो ये भी मिल गया. ठीक है, बिफोर ही अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पहले हिज लाइफ बैक इन ब्रिटेन. जे अगर हम ये जो रीडिंग पढ़े तो वहाँ पे ना एक वोएज पे थे लोग एंड ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे. सो ब्रिटेन में जो लाइफ थी टेंच के बारे में लोग कम जानते हैं,
पर यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, सो आंसर विल बी फॉल्स. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन सेज टेंच ड्रू पिक्चर्स टू इलस्ट्रेट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द वोएज. वोएज क्या होता है बेसिकली, जब ना सफ़र पे निकलते थे पुराने टाइम में, तो काफ़ी शिप्स पे लोग ना एक एरिया से दूसरी जगह जाते थे, वो सफ़र को हम बेसिकली हम कहते हैं वोएज, जर्नी बेसिकली, सिनोनिम लगा लो जर्नी का. सो टेंच ड्रू पिक्चर ये है मेरा, एंड डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग, दरमियान अपने वोएज के. जो टेंच है उसने बनाए, कितने ही चित्र बनाए हैं अलग अलग जगहों के अपनी जर्नी के दौरान. और इसका आंसर हमें मिलेगा नेक्स्ट फर्स्ट पेज पे. देखो फर्स्ट पेज लास्ट लाइन देखो, ड्यूरिंग हिज वोएज, ये मुझे कीवर्ड मिल गया. अगर देखो क्वेश्चन पढ़ के हमें अच्छे से नहीं मिलता ना, हम ये भी कर सकते हैं, जैसे अपने क्वेश्चन को ना पोर्शंस में डिवाइड कर लो, जिसको ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम है बच्चों को, क्वेश्चन को ना अपने पोर्शन में डिवाइड कर लो. कुछ चलो कन्फ्यूजन हो जाती है ना कई क्वेश्चन में. देखो जो हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन ठीक होगा हमारा उसका आंसर तभी हमें एक नंबर मिलेगा. जो क्वेश्चन का पार्ट पैराग्राफ में मिल जाए उसको टिक कर दो कि ये तो मिल गया, अभी मैंने इसको तो देखना भी नहीं है. ठीक है, जितने जितने मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग, जब अगर सभी मिल गए तो मेरा आंसर होगा ट्रू, अगर कोई वर्ड नहीं मिला तो मैं देखूंगी कि उस वर्ड का कोई ऑपोजिट वर्ड है. जैसे यहाँ पे फैट है, यहाँ पे थिन है, यहाँ पे टोल है, यहाँ पे पैराग्राफ में स्मॉल है, अगर ऑपोजिट वर्ड मिलते हैं तो आंसर क्या होगा फॉल्स, अगर वर्ड मिलते ही नहीं है तो आंसर क्या हो गया नॉट गिवन. सो ये एक और वे है ट्रू फॉल्स का करने का. सो ड्यूरिंग हिज वोएज मुझे इस लाइन में मिल गया, फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन है. विच वॉज हार्श एंड टुक मैनी मंथ्स, वो बहुत कठिन था, कितने मंथ महीने लगे. टेंच आ गया, टिक कर दो. डिस्क्राइब्ड लैंडस्केप, अच्छा यहाँ पे डिस्क्राइब है, यहाँ पे क्या है इलस्ट्रेट. ठीक है, डिफरेंट चलो नहीं है, लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब प्लेसेस. ये देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है, लैंडस्केप ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, तो चलो मुझे ये भी मिल गया, डिफरेंट प्लेसेस भी मिल गया. देखो अभी मेरा कोई इन्फॉर्मेशन जो रहेगी ये है ड्रू पिक्चर्स, मतलब उसने खुद बनाई थी वाइल सेलिंग टू ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, टेंच सो लैंडस्केप दैट वर अनफेमिलियर, लैंडस्केप ऐसे होता क्या है जिनको नहीं पता, जैसे ना हमारी धरती है अर्थ, माता अर्थ, मदर अर्थ सॉरी, मदर अर्थ है ना, उस पर कितनी तरह के लैंड्स हैं, जैसे कहीं पे डेजर्ट है ना, कहीं पे इनफर्टाइल है, कहीं पे ड्रोट्स है, बंजर जमीन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन एरिया है. सो ये अलग अलग चीज़ें क्या है, लैंडस्केप है. ट्रेंच ने कितने कितने कहते हैं लैंडस्केप देखे जो कि उसने पहली बार देखे, अनफेमिलियर था, जिनको वो पहले नहीं जानता था, एंड न्यू टू हिम, नए थे उसके लिए. अराइविंग इन ऑस्ट्रेलिया द इंटायर क्रू वॉज अनसर्टेन, अभी ना देखो ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गए तो ड्यूरिंग जो है वो एज की बात तो ख़त्म हो गई. सो देखो सारे वर्ड मिल गए, टेंच मिल गया, इलस्ट्रेट डिफरेंट प्लेसेस सारा कुछ मिल गया, ड्यू पिक्चर्स मुझे मिला ही नहीं. तो अगर किसी बात का जिक्र ही नहीं हुआ तो मैं कैसे कह दूँ कि हाँ भी ये ठीक बात है, एंड मैं गलत भी नहीं कह सकती भी हाँ यार ये तो गलत बात है, फॉल्स आएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना. यहाँ पे जैसे ड्यू लिखा हुआ है, कोई और इसका ऑपोजिट लिखा होता तो मैं कहती भाई नहीं ड्यू नहीं है ये है. सो ये इस इन्फॉर्मेशन जो है ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो मैं आंसर क्या लगाऊंगी नॉट गिवन. क्लियर. एंड थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं हम, अदर मिलिट्री पर्सोनल इन न्यू साउथ वेल्स डिड नॉट ट्रीट कॉन्विक्ट्स इन द सेम वे एज टेंच डिड. अच्छा जो कोई मिलिट्री का बंदा है इन न्यू वेल्स में, इस न्यू साउथ वेल्स में, इसने क्या किया, वैसे ही ट्रीट नहीं किया कॉन्विक्ट्स को इन द सेम वे एज टेंच डिड, जैसे टेंच ने किया ना उनके साथ बिहेवियर वैसा नहीं किया बाकी मिलिट्री वाले बंदों ने. सो इसका आंसर हमें मिलेगा. अच्छा एक और वर्ड बात, कॉन्विक्ट्स का मतलब क्या होता है, कॉन्विक्ट्स वो बंदे होते हैं जिन्होंने ना कोर्ट में जज के सामने अपना जो जुर्म है क्राइम है वो कबूल किया है,
So basically those people who are guilty for their crime. So देखो इसका आंसर मिलेगा इस पैराग्राफ में सेकेंड पेज के है फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से ही जो टेंस है stood out as a different from other convicts. So बाकियों से different था during his initial time. पहले पहले ऑस्ट्रेलिया में he quickly rose his rank बढ़ा लिया and was given extra power. उसको extra responsible जिम्मेवारी मिली ज़्यादा उसको ओहदा मिल गया over the convicted crew members बाकी members से. However, he was also still different, very different, अलग था from the upper class rulers who came to rule over the crew, जो ना रूल करना चाहते थे क्रू पर. सो इस लाइन से थोड़ा सा आइडिया होता है कि हाउ एवर वर्ड भी यूज़ किया है ये जो बंदा था टेंच ये अलग था ठीक है अपर क्लास रूलर से दूसरे बंदों से. सो रूलर बेसिकली कौन है आर्मी वाले ठीक है हु केम टू रूल ओवर द जो क्रू पर रूल करना जाते थे अपनी दोस्त जमाना जाते थे बेसिकली. सो ये इन्होंने क्या कहा है अदर मिलिट्री पर्सोनल इन न्यू साउथ वेल्स डिड नॉट ट्रीट कॉन्विक्ट द सेम वे. हाँ उन्होंने अलग किया टेंच ने क्या किया अलग किया ही शोड ह्यूमैनिटी टूवर्ड्स द कन्विक्टेड वर्कर. सो उसने प्यार से डील किया कन्विक्टेड वर्कर से बल्कि उन दूसरे जो अपर क्लास वाले रूलर्स हैं बेसिकली अदर मिलिट्री पर्सोनल है उन्होंने क्या किया रूल करना चाहा. ही डिडंट वांट टू ट्रीट देम एज कॉमन क्रिमिनल जो आम मुजरिम होते वैसे उनको नहीं करना चाहता था बट एज ए ट्रेंड मिलिट्री मैन जैसे ट्रेनर्स होते हैं ना मिलिट्री मैन होते हैं वैसे कहते हैं इस उनको कैसे किया इसने वैसे डील किया ट्रीट किया. सो ये आंसर क्या आएगा सारी इन्फॉर्मेशन सही है दैट आंसर विल बी ट्रू. फोर्थ क्वेश्चन इज टेंस व्यू टूवर्ड द एबओरिजिनल रिमेन्ड अनचेंज्ड ड्यूरिंग हिज टाइम इन ऑस्ट्रेलिया. टेंस का व्यू किसके टूवर्ड्स है टूवर्ड्स एबओरिजिनल बंदे एबओरिजिनल जो लोग हैं पर्टिकुलर कोई ग्रुप का नेम है वहाँ पे मिल जाएंगे हमें बेसिकली ओरिजिनल है नेटिव है. रिमेन्ड अनचेंज ड्यूरिंग हिज टाइम इन ऑस्ट्रेलिया जब ऑस्ट्रेलिया में रहा तो उसका जो व्यू है इन बंदों के लिए एबोरिजिनल बंदों के लिए रिमेन्ड अनचेंज. अनचेंज का क्या मतलब है द सेम सेम रहा. सो इसका क्वेश्चन का आंसर देखो. सो इन दिस पैराग्राफ व्हेन दे फर्स्ट अराइव्ड है ना अराइव्ड मतलब ये ब्रिटेन से जो ऑस्ट्रेलिया आए थे कन्विक्टेड टेंच वॉज फियरफुल डरा हुआ था कंटेम्पचुअस टूवर्ड्स द एबोरिजिनल. कंटेम्पचुअस मतलब डिसरिस्पेक्टफुल था थोड़ा एबोरिजिनल की टूवर्ड्स बिकॉज द टू कल्चर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. दो अलग अलग कल्चर एक तो हो गया टेंच का एक एबोरिजिनल जो था उनका कल्चर था डिड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझते थे. हाउ एवर बट ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ही गोट टू नो देम इंडिविजुअली अकेले को मतलब अच्छे से उनको जानने लगा इंडिविजुअली अकेले अकेले को एंड बिकम क्लोज फ्रेंड्स विद देम. सो देखो यहाँ पे तो लिखा है टेंच व्यू टूवर्ड अब ओरिजिनल रिमेन्ड अनचेंज्ड. अनचेंज कैसे हो पहले तो वो फियरफुल था इंसल्टिंग था बट बाद में क्या होगा फ्रेंडली हो गया. सो चेंज तो हुआ है ना. सो आंसर क्या आएगा फॉल्स. एंड अच्छा जब भी हम फॉल्स कहेंगे ना हमारे पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हमारा आंसर फॉल्स नहीं है दिस इज फॉर श्योर. देखो अभी हमने कहा कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है जो टेंच है उसका एबोरिजिनल बंदों के साथ जो वे था तरीका था वो अनचेंज नहीं रहा अनचेंज्ड नहीं रहा बल्कि चेंज हुआ पहले कुछ और था फियरफुल था फिर फ्रेंडली हो गया. सो ये क्या होगा आंसर फॉल्स. अगला क्वेश्चन है फिफ्थ एन एबोरिजिनल गेव हिम गिफ्ट्स. जो एबोरिजिनल है उन्होंने गिफ्ट दिया ऑफ फूड एट द फर्स्ट टाइम दे मेट. सो यहाँ पे ही बात है ना फर्स्ट व्हेन दे फर्स्ट अराइव्ड तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ही होना चाहिए ये आंसर. टेंथ न्यू एबोरिजिनल पीपल वुड नॉट कॉज देम कॉन्फ्लिक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा अगर वो पीसफुल सोल्यूशन निकाले. यहाँ पे देखो मुझे कहीं पे ये गिफ्ट ऑफ फूड की बात मिली ही नहीं एबोरिजिनल मिली
फर्स्ट टाइम दे मेट, यहाँ पे ये भी मिला, बट गिफ्ट्स ऑफ फूड, यही इसी पैराग्राफ अभी हमने किया क्वेश्चन, ठीक है। सो चेंज ऑफ बिहेवियर बताया उसका टेंच का एबोरिजिनल बंदों की तरफ, ठीक है, पर ये गिफ्ट ऑफ फूड की कोई बात नहीं हुई। सो आंसर विल बी नॉट गिवन, यहाँ पे मैं एनजी लिख रही हूँ बट आपको एग्जाम में नॉट गिवन कम्प्लीटली लिखना है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। सिक्स्थ इज द कॉन्विक्ट्स हैड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी यही है कि कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है बेसिकली, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे कौन से रिवर्स वगैरह है, बेसिकली ये चीज़ें होती, कहाँ पे डेजर्ट है। सो जो कॉन्विक्ट्स है ना, जो जिन्होंने अपनी गलती मानी थी कोर्ट में, जो ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया आए हैं, हैड अ गुड नॉलेज, उनको अच्छे से नॉलेज थी, अच्छे से पता था ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी के बारे में। सो इसका आंसर है, सो ज्योग्राफी वर्ड देखो मुझे ये मिला, इस लाइन को पढ़ते हैं, द कॉन्विक्ट्स, ये मिल गया मुझे, वर नटोरियसली, नटोरियस मतलब शरारती थे, बदनाम थे, इल इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे है गुड नॉलेज थी उनको, यहाँ पे है इल इन्फॉर्म्ड मतलब बिल्कुल ही नहीं पता था किसके बारे में, अबाउट ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी। सो ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी देखो यहाँ पे है, ये मिल गया, ये वाला कीवर्ड भी मिल गया, बट ये है हैड अ गुड नॉलेज बट दिस इज इल इन्फॉर्म्ड। सो ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, ये कहते भी बड़े अच्छे से पता था, ये कहते थे बिल्कुल नहीं पता था, सो ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा विदाउट एनी डाउट फॉल्स, क्लियर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी कॉन्क्रीट प्रूफ, प्रूफ मतलब एक सबूत, ऑफ टेंस गुड एजुकेशन, एजुकेशन वर्ड देखूंगी मैं, टेंस देखूंगी, कॉन्क्रीट प्रूफ एविडेंस लिखा होगा मे बी, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड लिखो हो सकता है। सो इंस्ट्रक्शंस है मेरी, नो मोर देन टू वर्ड्स और अ नंबर, सो दो वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखनी मैंने। देखो यहाँ पे टेंस की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात चल रही थी, तो यहाँ पे थर्ड लाइन पे देखो टेंस जो है सन है फिशर टेंच का, अ डांसिंग मास्टर था वो बोर्डिंग स्कूल में, ये स्कूल है जो भी हमें क्या लेना देना, चलो आगे पढ़ो, ही ग्रू अप अराउंड अ फाइनर क्लास, चलो ठीक है, फैमिली हेल्प ये वो, चलो अभी आ गई एजुकेशन की, देखो ये आ गई एजुकेशन, चलो ये लाइन पढ़ते हैं, दो वी डोंट नो फॉर श्योर, हमें पक्का नहीं पता हाउ टेंच वॉज एजुकेटेड, कैसे जो टेंच है वो पढ़ा लिखा था, इन दिस स्मॉल ब्रिटिश टाउन, छोटा सा ब्रिटिश का जो है कस्बा, वहाँ पे कैसे पढ़ा लिखा था, वी डू नो, हमें ये पक्का पता है दैट ही वॉज वेल एजुकेटेड, कि वो क्या था, वेल एजुकेटेड था। सो ये तो मिल गया कि हाँ एजुकेटेड तो था, प्रूफ की बात नहीं मिली मुझे, वट कुड बी अ प्रूफ, वही मेरा आंसर होगा, हिज डायरीज फ्रॉम हिज ट्रेवल्स टू ऑस्ट्रेलिया आर रिटन इन एक्सीलेंट इंग्लिश, जो उसने डायरीज लिखी है ना जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो वहाँ पे ना कैंट सी इंग्लिश लिखी हुई थी उसने, बड़ी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई थी, अ स्किल, स्किल मतलब गुण, वो गुण दैट नॉट एवरी वन वॉज लकी टू पोजेस, पोजेस का मतलब बेसिकली होता हैव, है ना, वो ये वो गुण है जो सभी के पास नहीं, सभी इतने खुशनसीब नहीं थे कि उनके पास हो, स्पेशली 18th सेंचुरी की बात है। सो प्रूफ क्या है कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा था, हिज डायरीज, सो आंसर विल बी आइदर ओनली डायरीज और हिज डायरीज। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर्स, देखो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना हमें उससे ही अंदाज़ा हो जाता है, ये स्टार्टिंग वाले ना पढ़ा करो अच्छे से, हाउ मैनी ईयर्स मतलब मैंने पता ही लग गया भी यहाँ पे ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स लिखने हैं, डिड टेंच साइन किया उसने द कॉन्ट्रैक्ट फॉर फर्स्ट फ्लीट, फर्स्ट फ्लीट देखूँ, साइन देखूँ, टेंच देखूँ, सो यहाँ पे देखो लास्ट लाइन, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट जो पैराग्राफ है ना उसमें लास्ट लाइन देखो, व्हेन हिज शिप सेट आउट इन 1788 ही साइंड, मेरा कीवर्ड आ गया, अ थ्री ईयर्स सर्विस को उसने क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट
टू द फर्स्ट फ्लीट, मेरा अगेन क्या आ गया, कीवर्ड आ गया. सो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 3 years. नेक्स्ट इज वट वॉज यूज टू कंट्रोल कॉन्विक्ट्स ड्यूरिंग द वॉयज. सो सफ़र के दौरान कंट्रोल करने के लिए कॉन्विक्ट को क्या यूज़ किया जाता, वट वॉज यूज, ये मेरा आंसर है. ठीक है, वट वॉज यूज, क्या क्या चीज़ कॉन्विक्ट को, मुजरिमों को कंट्रोल करती थी. सो फ्रॉम द बिगनिंग, ये जो स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ इस लाइन से, इन्होंने लिखा है अंडर टेंस अथॉरिटी, इसकी जो है पावर के नीचे, ही रियलाइज्ड, उसको पता लगा कि कॉन्विक्ट्स चेन जो होती हैं, ठीक है, जैसे जंजीरें, विच वर यूज्ड टू कंट्रोल देम ड्यूरिंग द वॉयज. सो वॉयज सफ़र के दौरान कंट्रोल, देखो कीवर्ड आ गया मेरा, इजी टू फाइंड. सो क्या चीज़ उसको पता लगी कि कॉन्विक्ट्स को कंट्रोल करती थी, चेन. सो वी कैन राइट इट डाउन, कॉन्विक्ट्स चेन, ओनली चेन. अच्छा ये बात ध्यान से रखना, यहाँ पे चेन्स है ना प्लूरल, तो यहाँ पे भी प्लूरल ही आएगा. अगर मैंने प्लूरल नहीं लिखा तो मेरा आंसर हो जाएगा गलत. अच्छा नेक्स्ट, हु गेव द ऑर्डर टू पनिश द एबओरिजिनल. ऑर्डर किसने दिया भाई, भी एबओरिजिनल को कर दो, पनिशमेंट दो. सो इसका आंसर है, देखो इसी यहाँ पे, टेंच ऑल्सो शोड मर्सी टूवर्ड्स एबोरिजिनल पीपल. इसने ना दया दिखाई एबोरिजिनल पीपल की तरफ. गवर्नर फिलिप ऑफन परसुएड वॉयलेट, वॉयलेट था वो, सॉल्यूशंस, वॉयलेट सॉल्यूशन मतलब कोई फिजिकल पनिशमेंट देता था, ठीक है, वो टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद द एबोरिजिनल पीपल, जिनके. सो ये जो फिलिप था क्या करता था, ऑफन परस्यूड वॉयलेंट सोल्यूशन, मतलब फिजिकल पनिशमेंट देता था वो, टू कॉन्फ्लिक्ट विद द एबओरिजिनल पीपल्स. जब भी एबोरिजिनल पीपल्स के कोई भी तनाव होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, तो ये क्या देता था बंदा, अक्सर वॉयलेंट सोल्यूशन, मतलब पनिशमेंट देता था. तो कौन देता था पनिशमेंट्स, ऑर्डर कौन देता था पनिश के, गवर्नर फिलिप, और वी कैन ओनली राइट फिलिप, ठीक है. सो दिस विल बी माई आंसर, गवर्नर भी लिख दो क्योंकि ये इसकी पोस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द नेम ऑफ होकिसबरी रिवर, देखो ये तो नेम है रिवर का, बस स्कैन करो ये रिवर कहाँ लिखी है, कम इंटू बींग, ठीक है, वो होंद में कहाँ, कब आई. सो इसका आंसर देखो, सो देखो होक्सबरी रिवर ये मुझे मिल गया यहाँ पे, ये लाइन पढ़े, मीन वाइल मैनी चेंजेस वर मेड टू द न्यू कॉलोनी, न्यू कॉलोनी था, न्यू कॉलोनी थी जो, उस पर कहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए. होक्सबरी रिवर वॉज नेम्ड बाय गवर्नर फिलिप, ने नाम दिया इसका इन जून 1979. सो कब वो कम इंटू बींग, जून 1789. सो दिस इज माई आंसर. नेक्स्ट इज 12 क्वेश्चन, वेयर डिड द एस्केप्ड कॉन्विक्ट्स प्लान टू गो. तो कहाँ कॉन्विक्ट्स थे ना जो, उनकी प्लानिंग थी भाग जाने की, एस्केप वहाँ से भाग जाने की, बट कहाँ, प्लान टू गो, कहाँ जाने की तैयारी थी उसकी. तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है, दो द कॉलोनिस्ट हैड मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द अनटेम्ड लैंड्स, हालांकि जो कॉलोनिस्ट है जिन्होंने वहाँ पे जाके कॉलोनी बना ली, सिविलाइजेशन होगी, तो वहाँ पे काफ़ी उन्होंने तरक्की की इन अनटेम्ड लैंड. अनटेम्ड लैंड का मतलब क्या होता है, वाइल्ड, वाइल्ड लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देयर वर स्टिल लिमिट्स, पर वहाँ पे फिर भी बंदिशें थी. द कॉन्विक्ट्स वर, उनको पता नहीं था, इल इनफॉर्म्ड थे ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी के बारे में, उसकी धरती के बारे में, एज वॉज एविडेंट इन अटैम्प्ट बाय 20 एब्सकॉन्डर्स. सो एब्सकॉन्डर्स वो होते हैं दोज पीपल हु गोज अवे फ्रॉम अ प्लेस सडनली, एक
मतलब अचानक से कहीं चले जाते हैं इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, भाग जाना चाहते हैं वहाँ पे. सो 20 एब्सकॉन्डर जो थे, भगोड़े थे बेसिकली, टू वॉक फ्रॉम सिडनी से कहाँ जाना चाहते थे, चाइना, इन 1791, बिलीविंग चाइना माइट बी इजिली रीच, कि चाइना पे इजिली पहुंचा जा सकेगा, बीइंग नॉट मोर देन 100 miles डिस्टेंस, ये 100 miles की डिस्टेंस पे है, इससे ज़्यादा नहीं है, एंड सेपरेटेड ओनली बाय अ रिवर, कि वो रिवर के द्वारा ही सेपरेट हुई है. सो बेसिकली हमें तो यही देखना है कि कहाँ जाना चाहते थे. सो चाइना इज माई आंसर. नेक्स्ट इज, इन विच प्लेस डिड टेंट्स फील अनअकस्टम्ड. अनअकस्टम्ड का मतलब क्या होता है, अनयूजुअल, जो कि कॉमन ना हो चीज़. सो किस प्लेस पे टेंट्स को मतलब अनयूजुअल सा फील हुआ, महसूस हुआ, तो इसका आंसर है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, लास्ट लाइन में देखो, अ फ्यू डेज आफ्टर अराइवल एट बोटनी बे पे पहुंच गए, दीज ओरिजिनल लोकेशन जो है उनकी ओरिजिनल लोकेशन पे, फ्लीट मूव्ड टू मोर सूटेबल पोर्ट जैक्सन, यहाँ पे पहुंच गए जहाँ पे सेटलमेंट जो है इस्टेब्लिश हुई, एट सिडनी कोव, यहाँ पे इस 26 जनवरी 1788 को, ये सेकेंड लोकेशन थी एंड स्ट्रेंज थी, अनफेमिलियर थी ये भी, जो फ्लीट है मतलब सो सारे जो बंदे थे, वॉज ऑन अलर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस बिहेवियर, सस्पिशियस मतलब कोई भी शक्की, कोई इनके शक के दायरे में ऐसा बिहेवियर होगा तो वो अलर्ट मतलब थे इस चीज़ को. दो टेंच हैड, टेंच की बात आ गई, हैड मेड डिफरेंट फ्रेंड, उसने कहाँ पे डिफरेंट फ्रेंड्स बना लिए थे बोटनी बे पे विद ओरिजिनल पीपल, ही कुड नॉट बी श्योर दिस न्यू लैंड वुड बी अन इनहैबिटेड, उसको पता नहीं था, ये चीज़ पक्की नहीं थी कि जो ये नया लैंड है वो क्या होगा, मतलब रहने लायक नहीं होगा, अन इनहैबिटेंट, जहाँ पे रहा ना जा सके. ही रिकॉल्ड द फर्स्ट टाइम ही स्टेप्ड इनटू दिस अनफेमिलियर ग्राउंड विद द बॉय हु हेल्प टेंच नेविगेट, उसने ना याद किया कि पहली बार जब वो यहाँ पे अनफेमिलियर लैंड पे आया था, एक छोटे बच्चे ने उसकी डायरेक्शन में हेल्प की थी, इन दीज न्यू लैंड्स ही मेट एन ओल्ड ओरिजिनल, यहाँ पे उस वो ओल्ड ओरिजिनल उसको मिला था. सो ये जगह क्या है, 26 जनवरी को कहाँ पहुँच गए थे वो, सिडनी को. सो ये होगा मेरा आंसर. सो द आंसर ऑफ 13th क्वेश्चन इज सिडनी को. सो दिस वॉज द रीडिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉटकिन टेंच. इसमें जो वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं वो हम एक बार देख लें, देखो मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये वोकेबलरी वर्ड ना काफ़ी रीडिंग में बार बार रिपीट होते हैं, अगर इनका मतलब पता हो, देखो याद करने को ली मैं कह रही, बस ना एक बार अगर पता हो ना तो दोबारा रिकॉल हो जाता है, मतलब वो सेंटेंस पढ़ के थोड़ा ना याद आ जाएगा भी, अच्छा इसका मतलब ये है. सो देखो फर्स्ट वर्ड कन्विक्शन, एक ना इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है किसी बंदे का भी, हाँ यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, कोई भी बिलीव होगा. समबडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम, कोई मुजरिम जिसने अपना जो गुनाह है कबूल किया है, सो क्राइम कबूल माना है उसने. अनअकस्टम्ड, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, अनयूजुअल है, अजीब सी है. एनलाइटेंड नॉलेजेबल, ठीक है, इन्फॉर्म्ड है, उसे पता है अच्छे तरीके से. अनसर्टेन, जैसे हम राइटिंग में भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हमें श्योरिटी नहीं है, सो नॉट श्योर. स्ट्राइफ मीन्स ट्रबल बिटवीन पीपल, या दो जो ग्रुप है उनमें कोई लड़ाई झगड़ा है तो स्ट्राइफ. मर्सी दया. सो सेवन्थ वर्ड इज कंटेम्पचुअस, डिसरिस्पेक्टफुल, इज्जत ना देना, बेइज्जती करना. अनटेम्ड वाइल्ड नेचुरल, अनटेम्ड ऑस्ट्रेलियन लैंड वर्ड यूज हुआ था, सो वाइल्ड ऑस्ट्रेलियन लैंड. एब्सकॉन्डर्स भगोड़े, बेसिकली समबडी हु गोज अवे फ्रॉम अ प्लेस सडनली, अचानक से चले जाते हैं क्योंकि वो वहाँ से भागना चाहते हैं. अनफेमिलियर, वो चीज़ जिसके बारे में हम नहीं जानते इतना, दैट यू डू नॉट नो वेल. सस्पिशियस, फीलिंग दैट समबडी इज रॉन्ग, डिसऑनर्ड, भी थोड़ा शक सा होना, भी ये सही नहीं है, ये तो गलत है. सो ये हो गए हमारी वोकेबलरी वर्ड्स. सो दिस वॉज द रीडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉटकिन टेंच. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़. माई चैनल नेम इज़ द आइल्स इनसाइडर.
Hope you all are good and all the best for your exam. Bye bye.